गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम ग्रामर का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नाउन नेमिंग वर्ड्स, मतलब शब्दों के नाम। नेमिंग वर्ड्स मतलब शब्दों के नाम। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज ए नेम, विश्व में प्रत्येक चीज का एक नाम होता है। नेम ऑफ एनीथिंग इट इज इट्स आइडेंटिटी, सभी चीजों की नाम से पहचान होती है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, ये शब्द नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। सम नेमिंग वर्ड्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे अब हम। लुक एट सम नेमिंग वर्ड्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स को देखो। नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम। स्टूडेंट, स्टूडेंट किसे कहते हैं? हु स्टडी, जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट। डॉक्टर, हु ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर किसे कहते हैं? जो पेशेंट को देखता है, पेशेंट का इलाज करता है। फार्मर, फार्मर किसे कहते हैं? हु ग्रोस क्रॉप्स, क्रॉप्स जो फसल को उगाता है उसे कहते हैं फार्मर। जोकर, अब जोकर किसे कहते हैं? वो एंटरटेनमेंट, जो लोगों का मनोरंजन करता है उसे कहते हैं जोकर। नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, अब हम किसके नाम पढ़ेंगे? पशु पक्षियों के नाम पढ़ेंगे। चीता, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ये तेजी से चलने वाला जानवर है। टाइगर, अवर नेशनल एनिमल, ये राष्ट्रीय पशु है। जिराफ, द टॉलेस्ट एनिमल, ये लंबा जानवर है। वेल, द लार्जेस्ट एनिमल, ये भी बड़ी बड़ा पशु है। अब पक्षियों के नाम। फेलकॉन, द फास्टेस्ट बर्ड, ये तेजी से चलने वाला पक्षी है। पीकॉक, अवर नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ऑस्ट्रिच, द लार्जेस्ट बर्ड, ये बड़ा पक्षी है। हमिंग बर्ड, द स्मॉलेस्ट बर्ड, ये छोटा पक्षी होता है। नेम ऑफ प्लेसेस, अब किसके नाम पढ़ेंगे हम? जगहों के नाम। पार्क, फॉर वंडरिंग, हम पार्क में क्या करने जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। स्कूल किस लिए जाते हैं हम? पढ़ने, फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए जाते हैं। टेम्पल, अब टेम्पल क्यों जाते हैं हम? फॉर वर्शिप, पूजन करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं। सर्कस, फॉर परफॉर्मिंग ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, हम सर्कस क्यों जाते हैं? सर्कस में हम जानवरों का और मनुष्यों का परफॉर्म जो होता है उसको देखने के लिए सर्कस जाते हैं। अब नेम ऑफ थिंग्स, चीजों के नाम। लोटस, अवर नेशनल फ्लावर, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। अम्ब्रेला, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड द सन, ये हम अम्ब्रेला किससे प्रोटेक्ट करता है? बारिश से और सूर्य से। बुक, बुक किस लिए होती है? फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए बुक होती है। बस, बस क्यों होती है? फॉर ट्रेवलिंग, यात्रा करने के लिए बस होती है। All the naming words are called nouns, सभी जो नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाउंस कहते हैं। अब बच्चों आपको ये चैप्टर घर पर पढ़ना है।